I see the constellations. They remind me that this life cannot be lost forever. I watch my generation. It's over in this world. Hey guys, what's up? It's your boy Osama Khan back again with a brand new vlog. Assalamu alaikum, ummeed hai aap sab log khairiyat se honge aur main bhi khairiyat se hu. To jaise ki aap logo ne vlog ka title dekh liya to aap logo ko pata hai ye vlog kis topic par hone wala hai. Aur agar aap logo ko vlog acha lage to aap log like kariyega, mere channel ko subscribe kariyega, is video ko share kariyega aur acche acche comments kariyega. Baaki ka vlog main us location par jaake banaunga. To ye vlog end tak dekhiyega aur enjoy kariyega. Stay tuned, stay tuned. Aaj se takriban hazaron saal pehle ki baat hai. ये उस जमाने की बात है जब लोग अपने खाने की जरूरियात को पूरा करने के लिए शिकार करते थे। ये 4000 से 6000 साल का कदीम अरसा है जब पहली दफा लोगों ने फैल्कनरी के खेल को अपनाया। ये खेल में लोग अपने शिकारी परिंदों को जैसे कि शाहीन, शिकरा, बाज, आकाब, चील और इनकी मजीद किस्में होती हैं, जिससे वो दूसरे परिंदे जैसे कि कबूतर, चिड़िया वगैरह को शिकार करवाते हैं। फैल्कनरी के खेल को सबसे पहले मंगोलिया की सरजमीन से फरोग मिला। तो फाइनली गाइस ये वो लोकेशन थी। बेसिकली यहाँ पर बर्ड्स एग्जीबिशन हो रहा है, जैसे मेरे आप इर्द गिर्द कार्स देख रहे हैं। तो अभी हम लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं कौन कौन से वहाँ पे बर्ड्स आए हैं, पैरट्स आए हैं, ईगल्स वगैरह जो भी है ना, मैं सब आप लोगों को दिखाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। तो ये ब्लॉग एंड तक देखिएगा, ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा ही बॉम्ब होने वाला है जहाँ तक मुझे पता है। तो स्टे ट्यून, स्टे ट्यून, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। बाकी का ब्लॉग हम लोकेशन पे जाके कवर करेंगे। तो भाई अभी मैं भाई से इंटरव्यू लूंगा जिनका खुद का एक स्टॉल लगा हुआ है। तो भाई से ही पूछते हैं कि कौन से बर्ड्स हैं और ब्रीड कौन सी है। सही आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई? अच्छा उमर भाई, पहले तो आप ऑडियंस को थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम उमर हाशमी है, कराची फैल्कनरी से मेरा ताल्लुक़ है। हमारे पास यहाँ पर बुनैदी ईगल है, गोल्डन ईगल है, इंपीरियल ईगल है, स्टेपी ईगल है, इसके अलावा लगल फैल्कन है और एक लॉन्ग लेग बजर्ड भी मौजूद है। इसमें ब्राह्मी काइट जो है वो हमारे पास ब्रीडर पेयर है, जो हमने ब्रीड करवाया था अपने पास, उसके दो चिक थे जिसमें से हमने उनको रिलीज़ भी किया है और अभी मजीद भी रिलीजिंग के एक दो बर्ड हमारे पास बाकी हैं। कौन सा रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए, कौन सा बर्ड काम का है और किस तरह रखना चाहिए, तरीक़ाकार रखने का क्या है, उसके अवेयरनेस के लिए हमारे यहाँ पर स्टॉल है। उमर भाई ये तो आपने भी हमारे व्यूवर्स को सारा गाइड कर दिया। इसके अलावा अगर व्यूवर्स को आपसे कॉन्टैक्ट करना हो तो अपना फिर कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें कि वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें। इसीलिए जी एक तो हमारा फेसबुक पे कराची फैल्कनरी के नाम से पेज है, कराची फैल्कनरी। दूसरा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 03462652701। भैया उमर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत शुक्रिया। आप लोग देख सकते हैं कि मैं बाहर आकर ये व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि अंदर मैं जब बना रहा था ना तो वहाँ बहुत ज़्यादा शोर था और फिर वो नॉइस आ रही थी, इसलिए मैं बाहर इंटरव्यू ले रहा हूँ भाई। मुनीब भाई से बात करते हैं अभी और इनसे पूछते हैं कौन कौन से क्या बर्ड्स हैं और क्या ब्रीड है। अल्लाह का। अच्छा मुनीब भाई, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दें ऑडियंस को। बेसिकली मेरा नाम मुनीब शेख है और मैं टेम बर्ड्स के अंदर डील करता हूँ, एग्जॉटिक बर्ड्स, जिसमें तमाम एग्जॉटिक बर्ड्स आ जाते हैं और एग्जॉटिक एनिमल्स जिसमें लायंस, टाइगर्स वगैरह। अच्छा मुनीब भाई, आप मुझे ये बताएं, व्यूअर्स को ये बताएं कि अभी आपका जो स्टॉल है वो कौन कौन से उसके ऊपर बर्ड्स आपने रखे हुए हैं? अभी मेरे स्टॉल में तमाम एग्जॉटिक बर्ड्स हैं, जो मेन बर्ड्स आते हैं एग्जॉटिक के अंदर, मकाउस, काकाटूस, ग्रेस, अमेजोन, रिंग नेक्स, कॉर्नियोर्स की वैरायटी, ये सब मेरे पास है।
अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर जैसे किसी को परचेज करना हो तो आपसे आइडिया ले सकते हैं? बिल्कुल, कोई मसला नहीं है। किसी को परचेज करना हो, कोई हेल्प चाहिए हो, ज़रूर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप शेयर कर दें। आप बोल दें अपना कॉन्टैक्ट नंबर। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0331-3738-094। अच्छा मुनी भाई, मुझे बताएं कि आप लोग भी वैसे बर्ड्स वगैरह सेल करते हैं? बिल्कुल, तो आपसे वैसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं? वैसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और आइडिया लेने के लिए? आइडिया ले सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं, कोई हेल्प चाहिए हो कोई हेल्प ले सकते हैं। सही है भाई, सुन लिया आप लोगों ने। आप लोग मशवरा करके जब पैसे डाल रहे हैं तो एक दफ़ा मशवरा करें, फिर वो बर्ड आप परचेज करें। अच्छा मुनी भाई, आप मुझे बताएं आपके कोई सोशल हैंडल्स वगैरह हैं तो वही व्यूअर्स को बता दें। जी बेसिकली फेसबुक पे मेरा पेज है MNB Pets Lovers के नाम से, और यूट्यूब चैनल भी है वो भी सेम नाम से, MNB Pets Lovers। अच्छा मुनी भाई, आप मुझे बताएं, आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छा गाइड करा व्यूअर्स को। अच्छा आप मुझे बताएं, अगर कोई व्यूअर आपसे कॉल करे और परचेज करना चाहे तो आप थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे सकते हैं? बिल्कुल, जाहिर सी बात है जैसे कस्टमर्स होंगे और जो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट हो सकता है। बिल्कुल, सुन लिया भाई आपने। अच्छा मुनी भाई, माशाल्लाह से मैंने आके बर्ड सीखे, बहुत खूबसूरत हैं और ये सारे हैंड टेम थे, आप लोग ट्रेन भी करते हैं? जी बिल्कुल, ट्रेन करते हैं, और मेरा विजन ही यही है कि आप लोग टेम बर्ड्स रखें जो घर में इंडोर रखना चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा मुनी भाई, बहुत शुक्रिया आपने अपना थैंक यू बताया, और फिर इंशाल्लाह जिनको भी मुनी भाई से कॉन्टैक्ट करना हो तो वो लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुनी भाई आपको डिस्काउंट देंगे इंशाल्लाह। सही है भाई, बहुत शुक्रिया। तो मुझे उम्मीद है पूरी कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। मैं यहाँ सुबह से आया हुआ था और अभी बिल्कुल मगरिब होने वाली है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आसमान को। तो आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को नीचे अच्छे कॉमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसा कि आप लोग ये वाली लोकेशन देख रहे हैं कि जहाँ मैं ब्लॉग एंड कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पीछे गमले वगैरह लगे और इधर भी गमले लगे हैं। तो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू गाइस डिड, मेक श्योर सब्सक्राइब माय YouTube चैनल एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। सी या बाय बाय इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।